अपने प्लांट से ही कलेक्ट किया है। सारे के सारे सीड जो हैं इसमें पोईसाक के ही हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो 32 बार वाला फॉर्मूला मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आप उसको ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे। जिसको भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है वो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मॉर्निंग के जो काम थे मेरे वो मैं सारे कर चुकी हूँ, जैसे कि नीचे की साफ़ सफाई, नाश्ता वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह वो सारी हो चुकी है। आज मैं सिस्टी के हेयर पर एक ऑयल जो DIY ऑयल में बना रही हूँ वो अप्लाई करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि उसके हेयर की लेंथ कितनी है। अगर आपको ये ऑयल बनाना सीखना हो तो सिस्टी के टीवारिया चैनल पर जाकर आप देख सकते हो कि ये मैंने कैसे रेडी किया था। तो सिस्टी के हेयर जो है वो आज से 2-3 साल पहले बहुत छोटे छोटे थे, यहाँ से यहाँ तक ही आते थे मुश्किल से, और बहुत मेहनत करके मैंने उसके हेयर को लंबा किया है, क्योंकि मुझे पता है अगर वो 15-16 साल की हो गई तो उसके बाद उसके हेयर की लेंथ जो है वो नहीं बढ़ेगी। तो बालों को बढ़ाने की जो उम्र होती है उसी उम्र में मैं उसके बालों को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए लेंथ दिखाती हूँ मैं उसकी कितनी है, और उससे पहले मैं आपको रसोई में जाकर वो ऑयल भी दिखा देती हूँ जो मैं बना रही हूँ। तो हम आ गए हैं अपने किचन में और हमारा ऑयल जो है वो यहाँ पर बन रहा है, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं बैठकर बटरफ्लाई कर रही हूँ, इसके आपके पैरों की जांघें जो होती है ना वहाँ पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ये एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छी होती है जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं, या फिर जिनके घुटने या फिर उनका पूरा पैर नीचे जमीन से टच नहीं होता है, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। एक पैर आपको मोड़ लेना है, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रखना है और उसका पंजा बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए, जिस तरफ आपका मुंह है एकदम खींचा हुआ होना चाहिए। दोनों हाथ आपको ऊपर ले जाने हैं खींच के, फिर आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथों से अपने अंगूठा जो है उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप आगे को झुकोगे उतना ही इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो मैं ये कर रही हूँ, ये भी पैरों के लिए ही है। आपको 90 डिग्री तक अपने पैरों को उठाना है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो आपके पूरे लेग पर पड़ता है, बैक साइड का जो पूरा हिस्सा होता है ना वहाँ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दिन में जितनी भी बार आपसे होता है ये करो, और उसके बाद ये करना है, इससे आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है इस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, उसका जो दर्द होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो ये सारी एक्सरसाइज मैंने आपको काट पीट कर दिखाई है, इनको कम से कम आपको 10-10 मिनट या जितनी देर हो सके 8-7 मिनट उतनी मिनट करना है और इनको रिपीट करते रहना है। ये अगली एक्सरसाइज है जो पैरों के लिए है, इसको बोलते हैं विष्णु आसन, इसको ज़रूर किया कीजिए, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है इससे आपकी बॉडी को। और हमेशा आप जिस साइड से आपने एक एक्सरसाइज की है दूसरे लेग से भी उसी एक्सरसाइज को किया कीजिए, ताकि दोनों पैरों पर इसका इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से जाए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम चक्की पीस आसन करेंगे। यहाँ पर पैर आप जितने खोल सकते हो उतने खोल लो, क्लॉकवाइज जाना है, एक बार मुट्ठी अच्छे से बंद कर लेना जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, और एक बार एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहाँ पर मेरे बाल जो है वो खुल गए थे बट मैंने एक्सरसाइज को रोका नहीं, उसको मैं करती रही। अब यहाँ पर मैं ओम का जाप कर रही हूँ, ध्यान आपको आपकी बिंदी एरिया जो है वहाँ पर लगाना है, और कम से कम 5-7 मिनट के लिए आपको ओम का जाप करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगली एक्सरसाइज उनके लिए है जिनकी गर्दन में या गर्दन अकड़ी रहती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जिनको होती है उनके लिए एक्सरसाइज है। आपको ऊपर नीचे आगे पीछे लेफ्ट राइट चारों तरफ घुमाना है, और उसके बाद आपको सर्कल वाइज घुमाना है, मतलब कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपनी गर्दन को घुमाना है। इससे आपकी जो नसें अकड़ी रहती है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। इस एक्सरसाइज को करने से मेरी गर्दन में काफ़ी फ़र्क पड़ा है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। हे फ्रेंड्स, तो ये मैं हूँ, देखो मैंने आज बस 15 मिनट एक्सरसाइज की है।
और बाकी मैं लगभग आधा घंटा मुझे हो गया टेरेस पर साफ़ सफाई करते हुए। अभी धूप देखो नहीं निकली है गार्डन में, ठीक है ये देखो। और 8 बजे के मैं साफ़ सफाई करके सीधा ऊपर आ जाती हूँ हस्बैंड का नाश्ता वगैरह देके, सिस्टी को स्कूल भेज के मैं ही भेजती, मैं ही लेके जाती हूँ। और अब मैं ऊपर आ गई हूँ और आधा घंटा लगभग मुझे हो गया है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, तो यहाँ देखिए पूरा टेरेस जो है काफ़ी बड़ा है, छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ की मैंने कर दी है साफ़ सफ़ाई, सबको हटा हटा के साफ़ सफ़ाई करना। आधा घंटा तो मैंने बहुत ही कम बताया है और अभी भी मुझे इसमें 10 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि इसमें से आपको दिख रहा होगा वैसे तो ये वेस्ट ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं, क्योंकि इसमें हमारे पूरे गार्डन की मिट्टी है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं जो ऊपर से गिरते रहते हैं प्लांट में से, तो बहुत सारे पोषक तत्व हैं। तो मैं इनको ऐसे ही करती हूँ, हमेशा इकट्ठा कर लेती हूँ एक जगह और फिर उसमें से बैठकर छांटती हूँ। अब पूछोगे क्या छांटोगे, तो आपको दिख रहा होगा ये देखो, ये जैसे ये प्लास्टिक है, पिन्नी है, कबूतरों के पंख हैं, मतलब प्लास्टिक रबड़ इस टाइप का कुछ भी होगा तो वो सब मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ों का ना कंपोस्ट में जाके कुछ नहीं होने वाला, ये हमारी सारी चीज़ों को नुकसान करेंगे, ठीक है। तो ये सब कर लेते हैं और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए ये सारा काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर एक नारियल पानी लेकर रखा था, मॉर्निंग में ही लेकर रख लिया था। तो मैंने ये नारियल पानी पिया है, इसको पीने से आपकी आई साइड अच्छी होती है, आपके हेयर फॉल की जितनी भी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। एक नारियल पानी ज़रूर पिया कीजिए। ये दोस्तों यहाँ पर एक कंटेनर है और लगभग 6-7 महीने से ना मैंने इसमें अपना पोई साग लगा रखा है। अब ये देखो ये हैं इसके सीड, ठीक है, मैं इसे कलेक्ट कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि ये ना बिल्कुल काली मिर्च जैसे हैं और ये बिल्कुल जब सूख जाते हैं ना तो इतने कड़क होते हैं कि आप इनको ऐसे दबाओगे ना तो कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। और जो गीले होते हैं वो मैं आपको दिखाऊं, तो जैसे आप इसको दबाओगे ना तो इसके अंदर से पर्पल कलर का लाइट सा निकलेगा। तो ये तो अभी पूरी तरह से सूखा भी नहीं है, पूरी तरह से गीला भी नहीं है, लेकिन मैं इसको लूँगी नहीं क्योंकि ये बाकी सारे सीड को ख़राब कर देगा, ठीक है। यहाँ से जितनी हार्वेस्टिंग होती है वो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पीछे की तरफ देखो बहुत सारे हैं, क्योंकि मुझे ये कंटेनर जो है ना ये खाली करना है, क्योंकि अब मैं इसमें मिट्टी जो है इसकी लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुकी है, ये देखो, ठीक है, मिट्टी का जितना न्यूट्रिशन है वो सारा निकल चुका है इसमें से। तो मैं इसको या तो कट करके सारा ले लेती हूँ या फिर मैं इसे यहाँ से कट करूँगी और साइड साइड से सारी मिट्टी निकाल कर फिर इसमें नीचे दूसरी मिट्टी, नई मिट्टी फिल करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे बीज जो हैं वो मैं ले लेती हूँ। और साइड में ना खजूर का पौधा लगा हुआ है और मेरे हाथों में चुभ रहा, बड़ी गुस्सा आ रहा मुझे कि मैं इसको मारूँ खींच के। ये देखो कड़क वाली चोंच बनी हुई है, जैसे सुई मारते हैं ना ऐसे मार रहे हैं ये मुझे। तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन में कुछ प्लांट ज़रूर लगाइए, कोई भी प्रॉब्लम होने पर मैं हूँ। पिछले साल 5 सालों से ना मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस जो है मुझे अच्छी तरीके से हो गया। 5 साल बहुत लंबा टाइम होता है। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी मेरे पास भी 4 या 5 गमले ही थे और 2-3 पौधे थे, ठीक है। तो अब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, खाद वगैरह घर पे रेडी कर लेते हैं, किचन वेस्ट को बाहर नहीं जाने देते हैं, घर पर ही रख के उसकी बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी की जो खाद है ना वो बना लेते हैं। तो दोनों हाथ जो हैं मेरे वो भर गए हैं, ठीक है। सीड काफ़ी सारे मैंने पहले भी काफ़ी बार मैंने इसके सीड इकट्ठा किए हैं, अभी भी बहुत सारे हो गए। तो अब मैं इनको इस तरह से दबा दबा के देख लेती हूँ, ठीक है। तो सीड जो है वो मैं खाली कर आती हूँ और अपना जो इसे है कट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको 2 रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए मैंने आलू ले लिए उबाल कर रखा और एक छोटा टुकड़ा 100 ग्राम के करीब पनीर ले रखा, इन दोनों को मैं कद्दूकस कर लूँगी। एक ऐसी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी जिससे आप 2 से 3 तरह की चीज़ें यहाँ पर बना सकते हो। तो मैंने छोटा वाला कद्दूकस ले लिया है, दोनों को मैं अच्छी तरीके से घिस लूँगी। आप चाहो तो मैसर से भी इनको फोड़ सकते हो। ये देखिए मैंने आलू जो है
मिक्सर आलू का, उसको थोड़ा सा अलग कर दिया और कुछ यहाँ पर लेके रखा है, ठीक है। पनीर ले रखा, आलू ले रखा है, हल्दी मिर्च, सॉरी हल्दी नहीं है, मिर्च है, नमक है, हींग है, चाट मसाला है, ये सब कुछ मैंने इसमें डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट जो है वो मैंने आटे में डालकर आटे को गूंद लिया है, आलू पनीर के जो पराठे होते हैं वो बनाएंगे। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा चूड़ा जो होता है ना, जो चावल से बनता है, वो डालकर इसको अच्छे से बना लिया और इस तरह से रोल बना लिए हैं। कोई भी शेप बना सकते हो आप जो आपको अच्छा लगे, और इसको इस तरह से सैलो फ्राई कर लेना है। आप चाहो तो इसको ग्रिलर वगैरह जो होता है उस पर भी रख कर सेक सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इनको फ्राई कर लिया था और बहुत टेस्टी बने थे, और बहुत देखा आपने कितनी जल्दी बनकर झटपट से रेडी हो जाते हैं। और ये मैंने सिस्टी को लंच में दिए थे, उसे बहुत अच्छा लगा, और एक मैंने उसको रात को डिनर में भी दिया था, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने बोला मम्मी इसको जल्दी जल्दी बनाते रहना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितने अच्छे बने। तो देखिए दोस्तों, ये था मेरा आज का सारा कुछ काम जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया है। सुबह से जो जो कुछ मैंने किया वो सब कुछ आप सबके साथ शेयर किया है। यहाँ पर मैंने आपके साथ पराठा बनाना जो है वो नहीं बताया, क्योंकि पता नहीं कैसे, या तो मेरा कैमरा ऑन नहीं था या फिर वो वीडियो मुझसे डिलीट हो गई है। हम सबको पराठा बनाना आता है, ऐसे नहीं कि आपको मुझे पराठा बनाकर अलग से बताना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बैटर बनाना सिखाया और आटा गूंदना जिस तरह से मैंने सिखाया, उसी तरह से आप आटा गूंदो। उसको और टेस्टी बनाना चाहते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक डालो और थोड़ी सी मिर्च डालो, हरी मिर्च डालो। तो मैंने बच्चों के लिए बनाया था इसलिए उसमें ज़्यादा मिर्च मसाले वगैरह नहीं डाले थे। बहुत टेस्टी बना था, बच्चे उसे लंच में भी लेके गए, हमने भी वैसे खाया तो सबने बोला बहुत सॉफ्ट बना था, टेस्टी बना था। तो आप ज़रूर इस पराठे को बनाकर यूज़ करो, सॉरी बनाकर खाओ, और कमेंट करके बताओ कि आज के ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। ज़रूर करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।